जीरो इतिहास रचने से दो कदम दूर हिंदुस्तान। चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन। धरती से चांद के सफर पर निकले चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर गुरुवार को अलग हो गया और अब उसे चांद के लिए आखिरी के 100 किलोमीटर का सफर अकेले ही तय करना है। इस आखिरी के 100 किलोमीटर के सफर में विक्रम लैंडर में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और इस बदलाव से जुड़ा हर एक कदम कैसे चंद्रयान 3 को चांद के करीब और करीब लेकर जाएगा, अब जरा वो समझ लीजिए। आज शाम करीब 4 बजे चंद्रयान 3 की रफ्तार कम हो जाएगी। आज ही लैंडर मॉड्यूल की ऊंचाई में कमी लाई जाएगी। शुक्रवार से लेकर शनिवार के दौरान लैंडर मॉड्यूल को 100 किलोमीटर की कक्षा से 30 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होगा। यह पूरी प्रक्रिया कैसे होगी और इस प्रक्रिया में कौन कौन सी चुनौतियां आनी बाकी हैं, वो आपको डेमो के जरिए समझाते हैं। विक्रम लैंडर का सेपरेशन हैपन हो चुका है और अब जो आगे की कार्यवाही है, आपसे 5 से 6 दिन का जो समय लगेगा, 23 तारीख तक का जो समय लगेगा, वो अब विक्रम लैंडर के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अब जो आगे जो स्पीड रिड्यूस करने का काम है इसरो वैज्ञानिकों द्वारा, वो किया जाएगा और 23 तारीख को 5:47 का जो समय निर्धारित किया है विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा। विक्रम लैंडर के बाद मुझे दिख रहा है सबसे अहम जो होने वाला है अब प्रज्ञान रोवर, बेसिकली जिसमें सारे काम की जिम्मेदारी है। विक्रम लैंडर के ऊपर मेजर जिम्मेदारी है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है और अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो भारत इस रेस में 4th नंबर पे होगा जो सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। तो वंस वी विल हैव द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, तो ये हमारा रैंप खुल जाएगा और इस रैंप से हमारा प्रज्ञान द रोवर चलकर जो है सतह पे उतरेगा और इसको बग्गी का रूप दिया गया है। इट्स अ रोबोट जो पूरा चलकर चंद्रमा के उस एरिए को, उस अनआइडेंटिफाइड एरिए को जिसपे अभी तक काम नहीं किया गया है, उसकी मैपिंग करेगा, पुष्टि करेगा किस तरीके के खनिज, गैस और अन्य पदार्थ, साथ ही साथ सिस्टमिक एक्टिविटीज का भी प्रज्ञान जो है हमें खबर जो है कलेक्ट, डाटा कलेक्ट करके भेजेगा। तेईस अगस्त को चांद की सतह पर लैंड होकर चंद्रयान 3 एक नया इतिहास लिखने वाला है, लेकिन 23 अगस्त से पहले चंद्रयान 3 को कौन कौन से पड़ाव पार करने बाकी हैं, वो भी समझना जरूरी है। बीस अगस्त को लैंडर मॉड्यूल कक्षा छोड़कर चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा। रात 2:15 बजे के करीब इसकी डी ऑर्बिटिंग होगी। इसके बाद लैंडर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आ जाएगा। 21 और 22 अगस्त को मॉड्यूल की गति को कम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मॉड्यूल की दिशा को चंद्रमा के लंबवत करने की प्रक्रिया भी इसी दौरान शुरू की जाएगी और आखिर में आएगा 23 अगस्त का वो अहम पड़ाव जब विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास शाम करीब 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरेगा। तेईस अगस्त को जब चंद्रयान 3 चांद तब उसकी चांद से दूरी महज 30 किलोमीटर की होगी। तब विक्रम लैंडर चांद की सतह से 90 डिग्री के कोण पर होगा और लैंडिंग के वक्त विक्रम रोवर की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। स्पीड को नियंत्रित करने की जरूरत रहेगी और स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाएगा। ऑलमोस्ट हम 100 किलोमीटर्स का दायरा रह गया है अब चंद्रमा के करीब जाने का, तो ये 100 से 50 किलोमीटर का जो सफर है इसमें डी बूस्टिंग
से स्पीड को नियंत्रित कर कर और लैंडर की जो है पोजीशन को चेंज कर कर निर्धारित किया जाएगा कि जो एरिया हमने लैंडिंग के लिए चुना है क्या वो पूरी तरह से एक लास्ट मिनट गो अहेड है। हाँ। और जब इस बात का संज्ञान हो जाएगा तो फिर 23 तारीख को अपने गिवन टाइम पर जो है वो लैंडिंग का प्रयास है। अब तक चंद्रयान 3 ठीक वैसे ही अपने सफर के एक एक पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर रहा है जैसा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने तय किया था, और अब इंतजार उस घड़ी का है जब 23 अगस्त की शाम विक्रम लैंडर चांद पर उतरकर नया इतिहास रचेगा।